देश में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों की जेब पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है, इसलिए लोगों के लिए पीएनजी गैस एक अच्छा ऑप्शन है। पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस एलपीजी के मुकाबले सस्ती पड़ती है। राशन, सब्जी से लेकर रसोई गैस वगैरह सब कुछ महंगा होने के कारण लोगों की जेब में कुछ बच नहीं पाता है। ऐसे में अगर आप पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस पर स्विच करते हैं तो गैस के खर्च को काफी हद तक बचा सकते हैं, वहीं जेब पर भी बोझ कम होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दामों में होता है बड़ा अंतर। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 899.50 रुपए है, जबकि बिहार में इसकी कीमत 1000 रुपए के करीब है। इस तरह 1 किलोग्राम गैस का दाम दिल्ली में जहां 63 रुपए पड़ता है, वहीं बिहार में करीब 70 रुपए पड़ता है। वहीं पीएनजी की बात करेंगे तो पीएनजी का दाम 36 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पड़ेगा। एलपीजी से पड़ती है सस्ती। अब 1 kg एलपीजी 1.16 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। इस तरह 1 किलोग्राम एलपीजी गैस के बराबर पीएनजी का दाम 41.30 रुपए बैठेगा, जबकि एक सिलेंडर के लिए अभी आप जहां 899.50 रुपए का भुगतान करते हैं, वहीं इतनी ही पीएनजी के लिए 586.46 रुपए भुगतान करने होंगे। अगर आप हर महीने एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 313.04 रुपए की बचत होगी। इस तरह से साल में करीब 4000 रुपए की आप बचत कर सकते हैं। इस्तेमाल के हिसाब से देना होता है चार्ज। पीएनजी के लिए आपको बिल का भुगतान इस्तेमाल के हिसाब से करना होगा। अगर आप इसका कम इस्तेमाल करते हैं तो बिल कम आएगा। इसके अलावा इसका एक फायदा और भी है, सर्दियों के दिनों में एलपीजी सिलेंडरों में गैस नीचे जम जाती है, लेकिन पीएनजी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही ये आपके किचन में जगह भी नहीं घेरती, जगह की बचत के साथ गैस भी बर्बाद नहीं होगी। 70% आबादी तक पीएनजी पहुंचाने का है प्लान। मोदी सरकार ने देश की 70% आबादी तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का प्लान बनाया है। देश के करीब 400 जिलों में लगभग 4 करोड़ पीएनजी कनेक्शन दिए जाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। हाल में सरकार ने शहरी गैस वितरण के लिए कंपनियों को लाइसेंस देने की 11वें दौर की बोलियों का चक्र पूरा कर लिया है। ऐसे में देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 228 एरिया के लिए सीएनजी और पीएनजी का लाइसेंस कंपनियों को दिया जाना है। बहरहाल अगर पीएनजी लोगों को सही से मिलने लगे तो हर कोई एलपीजी लेना छोड़ देगा, क्योंकि इस कमर तोड़ महंगाई में हर कोई चाहता है कि उसे थोड़ी बहुत राहत मिल ही जाए। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।